start with statistics. स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा. डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा ये चैप्टर क्या है? दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैट्स का मतलब What is statistics? इसका मतलब होता है presentation of data. Data को इस कदर present किया जाए कि सामने वाला देखते ही उससे meaningful information को draw कर सके, उस data को समझ सके. एक example लेते हैं. मान लीजिए हमने एक 25 marks का test लिया आपका, ठीक है. अब class में बच्चों के marks कैसे हैं? देखिए, marks obtained. कोई 5 पाया है, दूसरा बच्चा 7 पाया है, फिर 8, फिर 15, फिर 22, फिर एक बच्चा 5 पाया है, 8 है, 15 भी एक बच्चा पाया है, फिर 25 भी, 30 भी, 25 का ही टेस्ट है, ठीक है. तो 3, देन अगेन 5, अगेन 15. तो कुछ बच्चे हैं जो इस तरीके से मार्क्स पाए हैं, 5, 7, 8, 15, 22, 5, 8, 15, 25, 3, 5, 50. अगर हम ये सारा डाटा इस तरीके से लिखते हैं तो शायद इसे देख के कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई जजमेंट इमीडिएट तरीके से नहीं आ पाएगी. लेकिन अगर हम इसको एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट कर दें, जैसे हम दो कॉलम बना देते हैं, मार्क्स और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट. हमने कहा 5 कितने लोग 3 नंबर पाए हैं, 1. 5 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1, 2, 3. 3 बच्चे पाए हैं 5 नंबर. फिर उसके बाद 7 है, 7 कितने लोग पाए हैं, बस 1. 8 कितने लोग पाए हैं, 1, 2. 15 कितने लोग पाए हैं, 1, 2, 3. फिर उसके बाद 22 कितने लोग पाए हैं, 1. 25 कितने लोग पाए हैं, 1. अगर हम ऐसे प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो अब बताइए कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? और अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा क्लियर हो रहा है और ज्यादा जल्दी से इंफॉर्मेशन को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है. इसी बात को और दूसरे तरीके से हम प्रेजेंट कर दें. देखिए, मार्क्स 0 to 5 कितने लोग पाए हैं, देन 6 to 10 कितने लोग पाए हैं, 11 to 15, 16 to 20 कर लेते हैं, एंड 21 to 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो अब हमें और जल्दी समझ में आ जाता है कि कितने बच्चे कैसा मार्क्स पाते हैं या ज्यादातर बच्चे कैसा मार्क्स पाते हैं, ये बात तुरंत समझ में आ जाएगी. लेकिन ऐसे अगर हम रनिंग डाटा आपको दे दे तो इससे बात समझ में नहीं आती. सपोज फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन 5000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है. अब 5000 बच्चों के मार्क्स हम इस तरीके से लाइन से लिख दें तो क्या उससे कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो पाएगी? कुछ आप समझ पाएंगे कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में? बिल्कुल नहीं. लेकिन अगर वही 5000 बच्चों के डाटा को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर दें या फिर इस तरीके से प्रेजेंट कर दें तो शायद और अच्छी इंफॉर्मेशन हम समझ पाएंगे. कितनी बात क्लियर है आपको? तो यही स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है. स्टैट्स का मतलब यह होता है कि डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है. इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम लोग को थ्योरी तैयार करनी है, ठीक है. तो ज्यादा फोकस हम लोग थ्योरी पे करेंगे, सभी टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है. और इन्हीं थ्योरी पोर्शन से आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. One view is statistics is originated from Latin word status. Underline कर लीजिए Latin word status. Exam में question कैसा बनता है कि the word statistics has been derived from Latin word. अब option दे दिया A, B, C, D and you will have to answer status. ठीक है. या फिर आपसे पूछ लिया कि the word statistics has been derived from the word status. Which word is this?
ये लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, कौन सा वर्ड है? तो यू हैव टू टेल दिस इज लैटिन वर्ड. आगे देखिएगा उसी में. अनदर व्यू इज दैट इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कुछ लोगों का मानना है कि लैटिन वर्ड स्टेटस से नहीं बना है. ये कहां से बना है? इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा. तो अंडरलाइन कर लीजिए इसे भी, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा. थर्ड, कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये दोनों वर्ड भी नहीं है. तीसरा वर्ड है जिससे स्टैटिस्टिक्स बना है, और ये क्या है? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक. इसे भी अंडरलाइन कीजिए, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक. एंड फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक. हालांकि स्टैटिस्टिक की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्या है? STATISTIQUE. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. चलिए चारों याद करने की कोशिश कीजिए. लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, एंड देन फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक. ठीक है, रेफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ. बर्थ एंड डेथ के रेफरेंसेस मतलब कि डाटा रिलेटिंग टू, स्टैटिस्टिकल डाटा रिलेटिंग टू बर्थ एंड डेथ. ये पता है किसने दिया है? कौतल्य ने दिया है, इन एस बुक नेम अर्थशास्त्र. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि बर्थ और डेथ रिलेटेड जितने भी स्टैटिस्टिकल डाटा है कि कौन से ईयर में बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, ये ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये किसने दी है? कौतल्य ने दी है, इन एस बुक नेम अर्थशास्त्र. रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर मतलब हमारे देश में किस समय कितनी प्रोडक्शन हुई. ठीक है, कौन कौन सी फसल कितनी कितनी हुई, ये कहां मिलेगी आपको? ये अबुल फजल ने दिया है, इन एस बुक नेम्ड एज आईने अकबरी. ठीक है, तो अबुल फजल का नाम याद कीजिए, और आईने अकबरी नाम की बुक है इनकी, जिसमें आपको डाटा मिलेगा रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर. मेनी द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज अंडरस्टूड इन टू वेज. स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से समझा जा सकता है, एक होता है सिंगुलर एंड दूसरा है प्लूरल. सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा की कलेक्शन करना, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा की क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन, इसे क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर वे. ठीक है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल वे? प्लूरल वे का मतलब हो गया क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी के डाटा को कलेक्ट कियो, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. एग्जाम्पल लेते हैं. अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर वे का मतलब क्या हुआ? एक स्कूल में किस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हमने इस तरीके से लिखना शुरू किया, क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, क्लास वन नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, क्लास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट 56, क्लास थ्री नंबर ऑफ स्टूडेंट 45. ठीक है, हर क्लास में कितने बच्चे हैं, ये एक डाटा कलेक्ट किया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? अंडरस्टैंडिंग स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर वे. ठीक है, व्हाट इज दिस प्लूरल वे? अब इसमें हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव बात करते हैं. क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फेयर स्किन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग डार्क स्किन. इसमें गोरे बच्चे कितने हैं और सांवले बच्चे कितने हैं, इसकी फर्दर हमने क्या किया? एक क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये डाटा हमारा, ये स्टैटिस्टिकल डाटा हो जाएगा इन प्लूरल में. ठीक है, इन प्लूरल सेंस इट मे बी डिफाइंड एज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. क्वालिटी और क्वांटिटी अगर दोनों की बात हो रही है डाटा में, तो इसका मतलब ये डाटा कैसा है? प्लूरल वे में स्टैटिस्टिकल डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया गया है. डाटा कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. इन सिंगुलर सेंस इट मे बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल, दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, सिंगुलर सेंस में क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस. आर्ट एंड साइंस इसको दोनों ही क्यों कहा जाता है? आर्ट इसलिए क्योंकि आप कलेक्शन करते हो. ठीक है, एंड व्हाट इज द साइंस? साइंस का मतलब होता है प्रेजेंटेशन. आप सिंस प्रेजेंटेशन भी करते हो डाटा का, इसलिए ये साइंस भी है. तो स्टैटिस्टिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस. वेरिएबल्स,
द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, अंडरलाइन कीजिए वर्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किसे कहते हैं? इंटायर डाटा. इंटायर डाटा को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन. बात समझिएगा. कभी कभी हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो इंटायर डाटा का करते हैं, ठीक है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 5000 डाटा था, देयर वर 5000 डाटा. हमने कहा एक काम करिए, इसमें से 50 डाटा निकालिए और 50 डाटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज करके दिखाइए. और मोटा मोटी देखने में यही पाया जाता है कि 50 डाटा से जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है वही पूरे डाटा से भी मिलता. अगर 50 बच्चों में से ज्यादातर बच्चे पता है कौन से रेंज में है, ऐसे समझ लीजिए 6 से 10 नंबर पाए. 50 बच्चों में से ज्यादातर बच्चे कौन सा नंबर पाए? 6 से 10. तो हमने ये बात समझ ली है कि पूरे 5000 बच्चों का भी डाटा होता तो ज्यादातर बच्चे कौन से रेंज में मार्क्स पाए होते? 6 से 10, ठीक है. तो इंटायर पॉपुलेशन, इंटायर डाटा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन. और उसमें से कभी कभी हम कुछ डाटा निकालते हैं और उससे क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन. तो जो डाटा निकालते हैं और उससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे कहा जाता है सैंपल. यू हैव टू रिमेंबर टू वर्ड्स. डाटा का क्या हो सकता है? पॉपुलेशन भी और सैंपल भी. व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का मतलब इंटायर डाटा और सैंपल का मतलब क्या होता है? सेलेक्टेड डाटा, ठीक है. क्या लिखा हुआ है यहां पे? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएबल्स. पॉपुलेशन की यानी कि डाटा की कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहा जाता है? वेरिएबल. And they may vary from each item. Variables can be divided into two types. ये quantitative variables भी हो सकते हैं. ये जो data है वो quantitative variables भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? Qualitative variables भी हो सकते हैं, ठीक है. Quantitative variables का मतलब numerical facts, ठीक है. हम कहते हैं बच्चे की height, student की height, बताइए क्या है, numerical data या qualitative data? स्टूडेंट्स की हाइट का हम आपको एक डाटा दे रहे हैं, ठीक है. आप उनको बताइए कि ये न्यूमेरिकल डाटा है, क्वांटिटेटिव डाटा है या क्वालिटेटिव डाटा है. क्वांटिटेटिव डाटा है. हाइट का डाटा देने का मतलब है कि हमने क्या लिखा होगा? 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच, यही लिखा होगा ना. तो दिस इज न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा. अच्छा, हमने डाटा आपको दिया है फेयरनेस ऑफ स्किन ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है? क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है. तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल फैक्ट्स. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर सच विच रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव फेनोमिना लाइक फेयरनेस ऑफ स्किन एक्सेट्रा. वेरिएबल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अनदर मैनर. वेरिएबल्स को आप इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. देखिए, एक तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो गया, दूसरा उसकी क्लासिफिकेशन कैसी हो सकती है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स, या फिर उसे क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल. और दूसरा तरीका है कंटिन्यूअस वेरिएबल. आइए ये वेरिएबल प्रेजेंट करके दिखाएं आपको. तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन टू थ्योरी पोर्शन इन दिस चैप्टर, ठीक है. तो सभी टर्म को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. ये जो वेरिएबल्स हैं, दिस कैन बी प्रेजेंटेड एज, एक कहता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूअस वेरिएबल. ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है? डिसकंटिन्यूअस. ये कैसे होता है? 0 to 9, 10 से लेके 19, देन 20 से 29, ये क्या है? नंबर ऑफ मार्कस परचेज्ड
नंबर ऑफ मार्कर्स परचेस्ड, ठीक है, 0 to 9 मार्कर्स कितने लोगों ने परचेस किया है, 25 लोगों ने, 10 से 19 मार्कर कितने लोगों ने परचेस किया, 12 लोगों ने, 20 से 29 मार्कर कितने ने परचेस किया, 39 लोगों ने। ये जो सीरीज हम बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ये डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल कैसा होगा, अब इसी के सामने अगर हम लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम लिखेंगे 0 to 10, देन लिखेंगे 10 to 20, देन लिखेंगे 20 to 30, ये होता है कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। यहां कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, ये 10 पे खत्म हुआ तो देखिए अगला भी क्या हो रहा है, 10 से शुरू हो रहा है, इसे कहा जाता है कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जो डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस मतलब जहां पे खत्म होगा वहीं से शुरू नहीं होगा, उसके आगे से शुरू होगा। आई बात समझ में सबको, चलिए अब एक बात समझिए, अगर हम लिखते हैं 0 to 10, फिर 10 to 20 और फिर 20 to 30, तो अगर 10 आएगा तो वो किसमें फॉल करेगा, 0 to 10 में या फिर 10 to 20 में। सपोज ये है नंबर ऑफ मार्कर परचेज और कितने लोगों ने इतने मार्कर खरीदे हैं उसकी बात कर रहे हैं। किसी ने अगर 10 मार्कर खरीदे हैं तो हम उसे कहां लिखेंगे, उसके डाटा को यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, अगर 10 मार्कर है तो कहां लिखेंगे, दूसरे वाले में 10 to 20, ठीक है। जब आप लिखते हो 0 to 10 तो इसका मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिए, इसका मतलब होता है 0 to less than 10, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या होता है, 10 to 20 का मतलब 10 से लेके लेस देन 20, क्लियर है बात सबको। इसमें क्या होता है कि 0 to 9 में 9 को भी इंक्लूड किया जाता है, जब 10 से 19 होता है तो 19 को भी इंक्लूड किया जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे इंक्लूसिव टाइप, इसको इंक्लूसिव टाइप भी कहा जाता है। अगर इसका क्लास इंटरवल 0 to 10 होता है तो 10 को एक्सक्लूड करते हैं, 10 to 20 होता है तो 20 को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम पता है क्या है, एक्सक्लूसिव टाइप, इसे एक्सक्लूसिव टाइप भी कहा जाता है। तो ये सब भी नोट कर लीजिए। इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। यहां पे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 19, ये क्या है, दिस इज क्लास इंटरवल। ठीक है, कितने लोगों ने 0 to 9 मार्कर खरीदे हैं, 25, तो ये 25 को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आगे देखिए डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज होते हैं, वन इज प्राइमरी सोर्स एंड द अदर इज सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स से जो डाटा मिलता है उसे कहा जाता है प्राइमरी डाटा। फिर से रिपीट करते हैं, डाटा कलेक्शन के दो सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज से अगर डाटा आएगा तो उस डाटा को क्या बोलेंगे, प्राइमरी डाटा, और अगर सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा कैसे आएगा, हम उस स्कूल में चले गए और क्या किए, वहां की अटेंडेंस रजिस्टर को उठाए और उसमें से देखे कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, इसे कहा जाएगा प्राइमरी डाटा। व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, उस स्कूल का कोई एक आर्टिकल किसी मैगजीन में छपा था, वहां से हमें डाटा मिल गया और हमने उसी डाटा के बेसिस पे हमने क्या किया, अपना पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लिया, इसे क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है आप सोर्स के पास जाते हो, जहां पे डाटा है आप
आप वहां पहुंच के डाटा को निकालते हो। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, हम न्यूज़पेपर में गूगल पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे कहीं हमने कोई चीज मिल गई, वहां से हमने डाटा ड्रॉ कर लिया, किसी मैगजीन में पढ़ लिया, मतलब किसी टीवी एड में हमने देख लिया, किसी टीवी सीरियल से हमें कुछ पता चल गया। इस तरीके से अगर कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा मतलब द प्राइमरी सोर्स, द इनिशियल सोर्स, जहां पे डाटा ओरिजिनेट होता है वहां से डाटा अगर पाते हो तो प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर आप किसी सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा पाते हो, जैसे कि किसी न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या फिर कहीं से भी और किसी थर्ड पर्सन के से आपको ये कोई बात पता चलती है, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसकी बात स्टार्टिंग में हो चुकी है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डाटा को सिंप्लीफाई कर देना, क्लासीफाई कर देना। क्या होता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना और क्लासीफाई करना। डाटा को आसान बना दीजिए और क्लासीफाई करके प्रेजेंट कर दीजिए, इसी को कहा जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। और जब तक डाटा का प्रेजेंटेशन नहीं होगा, डाटा मीनिंगलेस होता है, ठीक है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर 5000 बच्चों ने एक एग्जामिनेशन दी है, उनके सभी मार्क्स हम एक एक करके लिख दे कॉमा लगा के, 5000 बच्चों के नंबर, तो क्या उससे कोई इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको, कोई उससे डाटा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मीनिंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब तक कि हम उसे क्या नहीं कर दे, सिंप्लीफाई करके क्लासीफाई न कर दे, ठीक है। कैसे क्लासीफाई करें, इस तरीके का कुछ ग्रुप बना दे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, डाटा में भी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज, डाटा को आप चार कैटेगरी में बांट सकते हो। क्वांटिटेटिव डाटा को और क्या कहते हैं, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये नाम याद रखना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को और क्या कहते हैं, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने कैसे क्लासीफाई किया डाटा को, हमने इस तरीके से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, देखिए, लेस देन 5 फिट, दूसरा है 5 फिट 1 इंच से लेके 5 फिट 3 इंच, फिर उसके बाद हमने किया 5 फिट 4 इंच टू 5 फिट 6 इंच, ठीक है, एंड सो ऑन आ गया, ऐसे ही बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई क्लासिफिकेशन की है हमने, तो इसे क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, मतलब क्वांटिटी के बेसिस पे। ये सब नंबर्स है ना, ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सब सिंस दिस इज नंबर, तो आपने क्वांटिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, इसे क्या कहेंगे हम, क्वांटिटेटिव डाटा या फिर ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन क्वालिटेटिव बेसिस पे अगर आप क्लासीफाई करते हो डाटा, तो उसे क्या कहा जाता है, कार्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। जैसे क्लासीफाई हम कैसे कर रहे हैं डाटा को, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है, नंबर की बात हो रही है क्या यहां पे, नहीं। अगर हमने मेल फीमेल इस तरीके से डाटा को क्लासिफाई किया, तो ऐसी क्लासिफिकेशन का नाम क्या होगा, कार्डिनल क्लासिफिकेशन। एग्जाम में आपको क्लासिफिकेशन किया हुआ दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कौन सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, हमें क्लासिफिकेशन दे रहा है, आप आंसर कीजिए ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हमने लिखा है वेट और दूसरी तरफ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। वेट किस तरीके से, 1 to 10, देन 1 से 10 किलो का तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए 11 से 20, फिर 21 से 30, ये कौन सा क्लासिफिकेशन है, ऑर्डिनल कार्डिनल, ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है, यहां पे न्यूमेरिकल डाटा है। अच्छा, हमने डाटा बनाया है नेशनैलिटी के बेसिस पे, स्टूडेंट दूसरा कॉलम में नेशनैलिटी, इंडियन है, जर्मन है, ठीक है, ये क्या हुआ, दिस इज कार्डिनल क्लासिफिकेशन। अच्छा, स्टूडेंट, फिर उसके बाद कॉलम में वेदर ड्रिंकिंग मिल्क और नॉट, ठीक है, मिल्क पीता है बच्चा, नहीं पीता है, बताइए ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, कार्डिनल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं है यहां पे। उसके बाद देखिएगा क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, ठीक है, टेम्पोरल भी याद रखिएगा वर्ड और
टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम ईयर वाइज डाटा देते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईयर 1991 टू 2001, ठीक है, तो इस तरीके का अगर डाटा होगा, या फिर टर्नओवर ऑफ एलीट कॉन्सेप्ट फ्रॉम 1995 टू 2005, ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। या फिर कह लीजिए प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 2005 टू 2015, ठीक है, व्हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, इस तरीके के डाटा को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन। स्पेटियल वर्ड कहां से बना है पता है, SPAT, स्पेस से, ठीक है, ज्योग्राफिकल स्पेस से। ज्योग्राफिकल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कार इन वेरियस कंट्रीज, किस देश में कितना कार प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट रीजंस ऑफ इंडिया, तो हमने ज्योग्राफिकल रीजन बताया, या प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन मिल गई। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन फ्रॉम वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन फ्रॉम वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया, ये भी कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया डाटा की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव होती है तो कार्डिनल, देन ज्योग्राफिकल अगर होती है देन इट इज ज्योग्राफिकल स्पेटियल क्लासिफिकेशन, और इनकेस दिस इज टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन देन इट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, और एक नाम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात पहले भी कर दिया था हमने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स डाटा इज अपेयरिंग, ठीक है, 0 to 9 के अंदर कितने डाटा है, ठीक है, उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द डिवीजन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इधर इंडिविजुअली और इन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज अपीयरिंग, ठीक है, एंड दैट इज ओनली फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्ड अरे इन अ मैनर सो दैट डाटा आर रिटन अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसीज। Formation of frequency distribution is essential for the purpose of proper analysis of data. This arrangement is done in the following 3 series. Individual series या फिर raw data. देखिए individual series या raw data क्या है? Individual series या फिर raw data. 25 नंबर का टेस्ट था, 25 मार्क्स का टेस्ट था, उसमें बच्चों ने क्या मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हम लिख रहे हैं, 5, 13, 14, 17, 5, 8, 13, 17, 9, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या है, इसी को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज या रॉ डाटा, ठीक है। जब तक आप उसका प्रेजेंटेशन नहीं करते हो तब तक उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। याद रहेगा सबको, व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब रॉ डाटा, ठीक है। अब उसके बाद इसी का डिस्क्रीट सीरीज बनाइए। डिस्क्रीट सीरीज कैसे बनेगा, डिस्क्रीट सीरीज हमने आपको बना के दिखाया था ना अभी, ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे डिस्क्रीट सीरीज। हम डिस्क्रीट सीरीज ऐसे बनाएंगे 0 to 5, ठीक है। अच्छा अगला क्या रहेगा, 5 to 10 या 6 to 10, डिस्क्रीट सीरीज बना रहे हैं, याद रखिएगा वर्ड डिस्क्रीट सीरीज, जल्दी बोलिए। पहला है 0 to 5, अगला क्या होगा 6 to 10, ठीक है, देन 11 to 15, देन 16 to 20, देन 21 to 25, 25 नंबर का टेस्ट है तो इससे ज्यादा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है।
अब 0 टू 5 में देख लीजिए कितने हैं, 1 2, 6 टू 10 में 1 2 बस, 11 टू 15 में 1 2 3 3, 16 से लेके 20 में 1 2 3 0, ये हो गई डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज अगर बनानी है तो कैसे बनता है, 0 टू 5 लिखेंगे, फिर अगला क्या लिखेंगे, 5 टू 10 लिखेंगे, देन 10 टू 15, देन 15 टू 20 एंड देन 20 टू 25। ठीक है, आएगा क्या, यही 2 2 3 3 0, क्योंकि 0 टू 5 का मतलब क्या होता है, 0 टू लेस देन 5। ठीक है, अच्छा 0 टू लेस देन 5, एक सेकेंड, तो यहां पे एक हो जाएगा 0। ठीक है, व्हाट इज 5 टू 10, 0 टू लेस देन 5 टू लेस देन 10, 5 टू लेस देन 10 कितना हो जाएगा, 5 टू लेस देन 10 4, 10 टू 15 मतलब 10 से लेके लेस देन 15 तक कितना होगा, 10 टू लेस देन 15 3। ठीक है, 15 से लेके लेस देन 20 3 अगेन, क्लियर सबको, अच्छा डिस्क्रीट सीरीज एक और तरीके से बनती है, वो भी लिख देते हैं यहां पे, एक तरफ लिखेंगे हम मार्क्स और दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए कैसे लिखेंगे, बच्चों ने 5 मार्क्स पाए हैं, ठीक है, फिर कितना पाया है उसके बाद 8, फिर उसके बाद कितना है 9, फिर 13 है, अब देखिए 5 नंबर कितने लोग पाए हैं, 2 लोग, फिर 8 नंबर कितने लोग पाए हैं, 1, 9 नंबर 1, 13 नंबर कितने लोग पाए हैं, 2, ये भी क्या है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, तो देखिए बेसिकली होता क्या है, एक तो रॉ डाटा होता है इंडिविजुअल सीरीज, फिर उसके बाद डाटा को हम या तो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं या ऐसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम ये प्रेजेंटेशन करते हैं तो इसे कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, और ये नाम से ही याद रहेगा आपको, कंटिन्यूअस सीरीज मतलब जिसमें सीरीज ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। चलिए अब एक बात समझते हैं, डिस्क्रीट सीरीज अगर होती है तो सारे डाटा यहां पे फिल नहीं हो पाते हैं। कैसे डाटा फिल नहीं हो पाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे ये कहेंगे कि नंबर ऑफ ये मार्क्स ऑफ 3 है ये, तो 0 टू 5 ठीक है, 6 टू 10 भी ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्क्स कैसे दिए गए हैं पता है, 5.5 भी, 6 और 5.5 10.5 भी, तो अगर 5.5 आ जाता है तो कहां आएगा, यहां आएगा कि यहां आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ मार्कर्स है तो या तो 5 मार्कर होंगे या फिर क्या होगा 6 मार्कर होंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वेट ऑफ अ स्टूडेंट है, अगर वेट है तो 5 किलो के बाद सीधे 6 किलो होगा, ऐसा जरूरी तो ही ना है, 5 किलो 400 ग्राम का भी बच्चा हो सकता है, 5 किलो 600 ग्राम का भी हो सकता है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कहां जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि अगर डिस्क्रीट सीरीज ये वाली होती है तो सभी डाटा इसमें फिल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वही डाटा फिल हो पाएंगे जो हमेशा राउंड फिगर वाले नंबर्स के होते हैं, जैसे मार्कर या तो आप 1 खरीद सकते हैं या 2 खरीद सकते हैं या 4 खरीद सकते हैं, 4.5 मार्कर नहीं हो सकता, 5.5 मार्कर नहीं हो सकता, तो निश्चित है कि ये डाटा तो फिल हो जाएगा, लेकिन अगर यही हाइट का डाटा हो, वेट का डाटा हो, या फिर मार्क्स भी कैसे मिले हैं, 5.5 10.5 ऐसे मार्क्स मिले तो शायद यहां पे ये फिल नहीं हो पाएंगे। तो अब ऐसी सीरीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू कंटिन्यूअस सीरीज, याद रहेगा बात, डिस्क्रीट सीरीज को कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कंटिन्यूअस सीरीज में, कब करना पड़ेगा, जब डाटा ऐसे राउंड फिगर वाले नहीं है, मतलब आपको दिया हुआ है कि इसकी अपर लिमिट कितनी है 5 और दूसरे वाले की लोअर लिमिट कितनी है
पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट कितनी है 5 और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है 6, इन दोनों में अगर डिफरेंस है ठीक है, तो ऐसे में अगर डाटा इनके बीच में कहीं अराइज हो रहा है तो वो तो प्लॉट हो नहीं पा रहा है ठीक है। अगर ऐसा डाटा आपको दिख जाए तो फिर हमें इस सीरीज को ही कन्वर्ट कर देना पड़ता है कंटिन्यूअस सीरीज में। अब कन्वर्जन कैसे होता है ये सीखने जा रहे हैं ठीक है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, दूसरे वाले की जो लोअर लिमिट है ठीक है वो लेते हैं और पहले वाले की अपर लिमिट ठीक है ये लेंगे 6-5 ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसे 2 से, कितना आया 0.5 ठीक है। 0.5 इधर बढ़ा देंगे प्लस कर देंगे और इधर 0.5 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो दिस विल बिकम 5.5 और ये क्या बन जाएगा अगेन 5.5 ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे 0.5 और इधर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फिर आगे देखिए क्या होगा, यहां 10 है यहां 11 है, ध्यान दीजिएगा इधर ये 10 है ये 11 है, जल्दी बताइए कैसे करेंगे हम लोग, 11-10 डिवाइडेड बाई कितना 2 ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 अगेन। यहां पे हम क्या करेंगे 10 के आगे प्लस 0.5 और इसमें माइनस 0.5 ठीक है। कुल मिला के हो क्या गया कि जितनी भी अपर लिमिट्स है उनमें 0.5 ऐड होता जाएगा और लोअर लिमिट्स में क्या होगा 0.5 माइनस होते जाएगा ठीक है। तो देखिए अगर अब ये वाली सीरीज बन गई 5.5 से 10.5 और इसमें भी क्या है 10.5 से लेके 15.5, तो जल्दी बताइए अगर 10.5 आएगा तो किधर आएगा, इसमें कि इसमें, अब नीचे वाले में, रीजन भी कि ऊपर वाले का मतलब क्या होगा 5.5 टू लेस देन 10.5 ठीक है ना। कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा ये होता है कि अगर मान लीजिए हमने आपको दिया है 1 to 10 तो इसका मतलब क्या होता है 1 to less than 10 ठीक है। हाँ प्रोवाइडेड ऐसा कब कहेंगे लेस देन 10, जब अगला वाला क्या है 10 से लेके 20 ठीक है, लेकिन अगला वाला अगर 11 है तो इसका मतलब 1 to 10 होता है, इसका क्या मतलब होता है 11 to 20। लेकिन ऐसी सीरीज हर जगह यूज नहीं हो पाती है, डिस्क्रीट सीरीज है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इंटू कंटिन्यूस सीरीज ठीक है। उसके बाद देखिए एक हेडिंग है टर्म एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टर्म एसोसिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है क्लास लिमिट, हम ड्रॉ करते हैं एक बार 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। पहले तो हमको इस सीरीज का नाम बताइए कौन सी सीरीज है ये, डिस्क्रीट सीरीज ठीक है। चलिए पहला टर्म इसमें क्या है क्लास लिमिट, द टू एंड्स ऑफ अ क्लास, इसी को कहते हैं क्लास, ये 0 to 9 को क्या कहा जाता है, सारे टर्म सीखिए जल्दी से, क्लास कहा जाता है ठीक है। ये 10 to 19 क्या है क्लास, ये 20 to 29 क्या है क्लास ठीक है। क्लास लिमिट किसे कहते हैं, द टू एंड्स ऑफ अ क्लास ठीक है, द टू एंड्स ऑफ अ क्लास, ईच क्लास हैज टू लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये 0 जो है इसको पता है क्या बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये 9 को क्या बोला जाता है अपर लिमिट ठीक है। जल्दी बताइए 10 को क्या बोला जाता है, 10 को क्या बोला जाता है लोअर लिमिट, इस 19 को क्या बोला जाता है अपर, क्लियर है सबको क्लास लिमिट। दूसरा टर्म क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट ही आपकी क्लास बाउंड्री होती है अगर सीरीज पता है कौन सी है कंटिन्यूस, लेकिन अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो क्लास बाउंड्री आपको तब मिलेगी जब आप डिस्क्रीट सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। आइए इसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं,
अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 to 19 क्या बनेगा? किया तो था अभी, बताइए क्या बनता है? इधर वाला कम हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 9.5 और इधर वाला क्या हो जाएगा 19.5, यही ना होगा? या अपर लिमिट हमारी बढ़ जाती है, लोअर लिमिट हमारी कम हो जाती है, ठीक है? क्लास बाउंड इज द टू एंड्स ऑफ अ क्लास आफ्टर मेकिंग इट कंटिन्यूअस टाइप. अब ये क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री और ये क्या है उधर वाला अपर क्लास बाउंड्री. अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री दोनों एक ही चीज होगी. कब होगा एक ही? जब सीरीज कैसी है? कंटिन्यूअस टाइप. और अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी तो डिस्क्रीट सीरीज होगी तो जो लिमिट्स दिख रहे हैं वो क्लास लिमिट्स कहलाएंगे, ठीक है? उसको जब आप कंटिन्यूअस टाइप बना देंगे तो फिर जो बाउंड्री होगी उसे क्या बोलेंगे? क्लास बाउंड्रीज. भूलेंगे तो नहीं ना? उसके बाद अगला टर्म देखिए क्या है, क्लास विड्थ. क्लास विड्थ किसे कहते हैं? बाउंड्री का जो डिफरेंस होता है उसे क्लास विड्थ कहते हैं. बाउंड्री का डिफरेंस ये लीजिए जरा, इसका डिफरेंस कीजिए 19.5 माइनस कर दीजिए 9.5, कितना आएगा 10. यही कहलाता है क्लास विड्थ. गलती से भी क्लास विड्थ इसे मत बना दीजिएगा. या देखिए यहां पे अगर हम डिफरेंस कर लेते तो क्या आता? 19 माइनस 10 कितना आ जाता? 9. तो जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज दिखाई दे तो क्लास विड्थ नहीं निकलेगा. डिस्क्रीट सीरीज से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंटिन्यूअस सीरीज. और फिर डिफरेंस लेने के बाद ही क्लास विड्थ निकलेगा. तो एग्जाम में अगर क्लास विड्थ का क्वेश्चन आता है तो हो सकता है वो आपको ये वाली सीरीज दे दे, डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज से डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले लीजिएगा, उसको पहले कंटिन्यूअस सीरीज बनाइएगा, उसके बाद डिफरेंस लीजिएगा. और अगर कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है तो सीधे आप क्लास लिमिट, ये आपकी क्लास बाउंड्री है, और उसका डिफरेंस ले लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? क्लास विड्थ. ठीक है, तो जहां पे क्लास विड्थ लिखा है वहां पे आप लिख लीजिए कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस सीरीज. क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तभी तो आपको क्या मिलेगा? क्लास बाउंड्री. ठीक है यहां तक? अच्छा, अगला देखिए एडिंग है क्लास मार्क. क्लास मार्क होता है अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2. अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2. अपर या लोअर आप क्लास बाउंड्री का लेना चाहे बाउंड्री का ले सकते हैं, लिमिट का लेना चाहे लिमिट का ले सकते हैं, कुछ भी वो अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं. आइए यहां पे करते हैं, 19 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 14.5. और अगर हम यहां पे लेते 19.5 प्लस 9.5 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना होता है? ये भी कितना आएगा? 14.5. बात समझ में आ रही है सबको? तो जब आपसे हम क्लास मार्क निकालने को कहें, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट. और इस क्लास मार्क याद रखेंगे, क्लास मार्क का मतलब इसे कहा जाता है मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट किस पे निकलता है? लिमिट के पे की बाउंड्री पे, किसी पे भी निकाल लीजिए, दोनों एक ही बात है. लिमिट पे निकालेंगे तो भी वही आएगा, बाउंड्री पे निकालेंगे तो भी वही आएगा. ठीक है? अच्छा, आपने देखा होगा कि हम हमेशा सारी कैलकुलेशन सेकेंड वाले पे करा रहे हैं, सेकेंड क्लास इंटरवल पे. अगर यही कैलकुलेशन फर्स्ट क्लास इंटरवल पे करें तो कैसे होगा? जरा देखिए, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? कितना होगा? 4.5. ठीक है, जब हम इसे कंटिन्यूअस टाइप बनाते हैं तो पता है क्या होता है? जो अपर वाला होता है वो 0.5 से बढ़ जाता है और जो लोअर वाला होता है वो क्या होता है? 0.5 से घट जाता है. ठीक है, सारे में ऐसा हो रहा था कि नहीं? इसके पहले का तो उनको मिला नहीं ना, तो हम सारी कैलकुलेशन यहीं से शुरू किए, 9 और 10 लेके शुरू किए थे. ठीक है, तो फिर हमने देखा कि हर जगह यही हो रहा है, जो लोअर लिमिट है वो क्या हो रही है? 0.5 से घटती है और अपर लिमिट 0.5 से बढ़ती है. ठीक है, तो सिमिलरली जब हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे तो पता है क्या होगा? यही होगा, माइनस 0.5 हो जाएगा से लेके कहां तक? 9.5 तक.
इसको भी जब हम कंटिन्यूस टाइप बनाएंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। और अब जरा चेक करिए कि हम क्रॉस मार्क निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस 0.5 प्लस 9.5 अपर प्लस लोअर, दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 4.5, ठीक है। बात उसके बाद देखिएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, क्या मतलब है इसका, जीरो टू फाइव या वन टू फाइव, सिक्स टू टेन, इलेवन टू फिफ्टीन, सिक्सटीन टू ट्वेंटी, एक से लेके पांच कितने बच्चे पाए, चार, यहां पे आठ, यहां कुछ है, यहां कुछ है, सब मिला के ये 20 है, ठीक है। तो अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 टू 5 के हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 4/20, और इस 4/20 0.2, ये होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरे वाले का निकालना होगा तो 8/20, तो व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। देन कम्स परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0.2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%। तो इस ये डिनोट करता है कि एक से पांच नंबर कितने बच्चे पाए हैं, 20% बच्चे पाए हैं, 20% स्टूडेंट हैव स्कोर बिटवीन 1 to 5, ठीक है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इमीडिएटली आफ्टर कैलकुलेटिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई बाय 100, देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास डिवाइडेड बाय विथ ऑफ अ क्लास, विथ कैसे निकलता है याद है सबको, बाउंड्री का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो बाउंड्री का डिफरेंस है उसे कर दीजिए, यू विल गेट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब एक और टर्म सीखिएगा, ओपन एंडेड क्लास, ये ओपन एंडेड क्लास क्या होता है, देखिए ऐसे क्लास है अप टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 एंड अबव, देखिए अप टू 10 इसका मतलब क्या हुआ, 10 तक कुछ भी ये खुला हुआ है, ये ओपन है, इसके जो एंड्स हैं मतलब सबसे ऊपर और सबसे नीचे कोई एंड जो है इसका वो बंधा हुआ नहीं है, क्लोज नहीं है, ये क्या है खुला हुआ है, ओपन है। तो इस तरीके की अगर हम सीरीज बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड क्लास, ये है ओपन एंडेड क्लास। देखिए ओपन एंडेड क्लास कहां पे दिखना है आपको, सबसे पहला क्लास देखिए और सबसे आखिरी क्लास देखिए, सबसे पहले क्लास में आपको क्या मिलेगा कि लोअर लिमिट कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है, और सबसे हायर वाले क्लास में क्या मिलेगा आपको कि कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, ओपन एंडेड, ठीक है। हम आपको एक डाटा दे रहे हैं, जितनी चीज हम लोग ने सीखी है ना वो कैलकुलेट करके दिखाइए, हमें आप सब कैलकुलेट करके दिखाओगे, जो जो हम आपसे पूछेंगे, क्लास विथ हो गया तो ये सारी चीजें, ठीक है, क्लास मार्क सब कंप्यूट करिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी सब कुछ कैलकुलेट करिए। क्लास इंटरवल, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी आई विल गिव यू,
और आपको कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा, क्लास विड्थ ये कैलकुलेट आप करके दिखाएंगे, क्लास मार्क कैलकुलेट करके दिखाएंगे आप, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करिएगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करिएगा, और लास्ट क्या सीखे थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी कैलकुलेट करिए। जीरो टू नाइन, टेन टू ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू फिफ्टी नाइन एंड सिक्सटी टू नाइनटी नाइन। जल्दी बताइए, इज इट ओपन एंडेड क्लास, क्या ये ओपन एंडेड क्लास है? नहीं। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज है? बोलो, डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज अगर होता है तो आप याद रखिएगा, कुछ जगह पे डिस्क्रीट सीरीज को कन्वर्ट करके ही फिर आंसर करना होता है, तो कहां कहां करना होता है ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी आपको बता दें, कैलकुलेट करिए, क्लास विड्थ कैसे निकलता है, बाउंड्री का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री जब आप बनाओगे इसकी तो कैसे बनेगी, जब देखिए इसकी बाउंड्री कैसे बनेगी, ये वाला हो जाएगा 9.5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.5, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 9.5 और 29.5, 29.5 -9.5 कितना होता है 20, ये क्या बन जाएगा 59.5 और इधर 29.5, कितना डिफरेंस हुआ 30, और यहां कितना डिफरेंस है 99.5 और इधर 59.5 40। क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क के लिए इंटरवल ले लीजिए, बाउंड्री ले लीजिए या लिमिट ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो लिमिट पे ही काम करते हैं, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5, 29 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 19.5, 89 डिवाइडेड बाई 2 44.5, 99 और 60 कितना होता है 159 ना, 159 डिवाइडेड बाई 2 79.5। चेक किया है आपने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी की जोड़ लगाइए 20, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 बाई
5 बाई 20 कितना होता है? 0.25. 6 बाई 20 कितना होता है? 0.33 ना, 0.33. ये बॉयज 0.3, 0.30. और 7 बाई 20 कितना? 0.35. ठीक है, परसेंटेज बनाइए, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10%, 25%, 30%, 35%. कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए. और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्या करना होता है हमें? क्लास विथ. फ्रीक्वेंसी 2 है, क्लास विथ 10 है, तो कितना हो जाएगा? 0.20. 5 डिवाइडेड बाई 20, 0.25. देन 6 डिवाइडेड बाई 30, 0.20. देन 7 डिवाइडेड बाई 40, 0.175. ठीक है. अच्छा, तो चीजें देखिए, ध्यान दीजिएगा हमेशा. जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जब आप जोड़ लगाएंगे ना, तो पता है हमेशा कितना आएगा? 1. चेक करिए. ये हमेशा 1 आएगा. अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की जोड़ लगाएंगे तो पता है ये हमेशा कितना आएगा? 100. ये ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होगा. हो गया सबका? चलिए आगे देखिए. मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब डाटा प्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन. टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हम रनिंग पैराग्राफ में डाटा को लिख रहे हैं. ठीक है, कैसे लिख रहे हैं? दैट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट आर इन द रेंज ऑफ सो एंड सो. ठीक है, फिर देयर वर 500 स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड इन दिस रेंज. मतलब जितने भी डाटा है उसको हम रनिंग सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन. ठीक है, बताइए क्या टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन एक अच्छा प्रेजेंटेशन है? नहीं, इससे थोड़ी ना मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो पाएगी. दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन. ठीक है, टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है? हम टेबल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं. ठीक है, देन उसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हम डायग्राम्स बनाएंगे. एंड देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे डाटा. ठीक है, तो देयर आर 4 मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन. याद रखिए, टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन बेसिकली ये सबसे बेकार वाला प्रेजेंटेशन है, रनिंग पैराग्राफ्स लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, देन टेबुलर प्रेजेंटेशन में चार्ट बनाते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में डायग्राम्स बनाएंगे, एंड देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डाटा को हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, हालांकि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं, लेकिन वो ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि बिना ग्राफ पेपर के भी बन सकती है. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम ग्राफ बनाते हैं वो बिना ग्राफ पेपर के बनेगी नहीं, क्योंकि तो बहुत एक्यूरेट प्रेजेंटेशन देनी होती है. बात समझ में आई आपको? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी कुछ प्रेजेंटेशन ऐसी होगी जो ग्राफ जैसा हम बना रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम विदाउट ग्राफ पेपर भी उसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम उनकी बात कर रहे हैं जहां पे ग्राफ पेपर अटमोस्ट नेसेसरी है. ठीक है, कभी कभी आपने नहीं देखा है कि ग्राफ पेपर, देखिए ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ये एक ब्लॉक है. ठीक है,
अब इसी ब्लॉक को हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये वाला ब्लॉक ये देखिए, ये अब इसके अंदर पता है क्या होते हैं, ये जो छोटा वाला ब्लॉक एक एक होता है ग्राफ पेपर का, उसके अंदर भी क्रॉस क्रॉस बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसे बना हुआ है, ये छोटा वाला ब्लॉक है जो बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये ऐसे बने, ठीक है। और उसके अंदर जो एक एक बॉक्स होते हैं उसके साइजेस का भी कुछ मतलब होता है, ठीक है। एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, तब हमें क्या चाहिए होता है, ग्राफ पेपर, ठीक है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, अब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन इसमें कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है रनिंग पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, सारे डाटा को प्रेजेंट करेंगे। नाउ कमिंग टू टेबुलर प्रेजेंटेशन, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो एक टेबल बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले जब भी आप एक टेबल बनाएंगे तो टेबल का एक नाम होगा, उसे कहते हैं टाइटल ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हम जो टेबल बना रहे हैं उसका नाम दे देते हैं रीजन वाइज सेल ऑफ फार्मा कंपनी, दिस फार्मा कंपनी, फार्मास्यूटिकल दवा बनाने वाली कंपनी, ठीक है, उनकी रीजन वाइज सेल दे रहे हैं। तो कैसे डाटा बनाएंगे हम लोग, कंपनी नेम और इधर रीजन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कंपनी का नाम सिप्ला रेनबैक्सी एक्स वाई, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज के नाम हो गई है। अब इसके अंदर सेल की फिगर होती है 500, 325, 720, 805, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। यहां पे हमने लिखा है फिगर इन, फिगर इन कॉमा 000, क्या मतलब हुआ इसका, फिगर इन थाउजेंड्स, ठीक है, मतलब ये 805 नहीं है, 805,000 है, मतलब 805,000 रुपए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टेबल बनाया जाता है। आइए यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज वेरी यूजफुल, द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इनटू कंसीडरेशन व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग अ स्टैटिस्टिकल टेबल। नंबर वन, टेबल नंबर, हर टेबल को एक नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे भी हम पता है क्या करते हैं, इस टेबल का नंबर होता है टेबल नंबर 30 या व्हाटएवर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, लाइन से 20 टेबल बनाए हैं, ठीक है, तो सबका अगर एक नंबर होता है तो किसी को भी रेफर करना हो तो हम आसानी से रेफर कर सकते हैं। सपोज हम मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, और बताना चाहते हैं टेबल नंबर 12 के बारे में, तो खोजने में बहुत आसानी होगी अगर हम इस हेडिंग की बजाय क्या बोले, टेबल नंबर। हम ठीक है 20 टेबल अगर हम आपके सामने प्रेजेंट कर दिए उसमें से इसके डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं तो नाम बोलेंगे तो सर्च करने में आपको समय लगेगा, लेकिन टेबल नंबर बोलेंगे तो इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो टेबल नंबर जरूर से अलॉट किया जाता है। देन कम्स उसके बाद हेडिंग, हेडिंग का मतलब ये टाइटल, इसे कहा जाता है हेडिंग। क्या हेडिंग है, रीजन वाइज सेल ऑफ फार्मा कंपनी, इसी को हेडिंग भी बोलते हैं, टाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लिखा हुआ है हेड नोट, व्हाट इज हेड नोट, ये रहा हेड नोट, फिगर इन थाउजेंड्स लिखा था, इसी को कहते हैं हेड नोट, ठीक है। कभी कभी पता है क्या लिखा रहता है, फिगर इन थाउजेंड्स की बजाय लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग किलोमीटर, मतलब जितना डाटा हम दे रहे हैं डिस्टेंस का कोई डाटा था तो हमने बता दिया ये डिस्टेंस किसमें है, किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो भी यूनिट होती है, जैसे कभी कभी हम देते हैं ये फिगर कैसा है, फिगर इन डॉलर, मतलब देखिए आप डाटा को ये मत समझिएगा रूपी फिगर है, ये सब क्या है, डॉलर फिगर्स है, तो इसी को क्या कहा जाता है, हेड नोट। क्लियर है सबको, हेड नोट। उसके बाद देखिएगा कैप्शन एंड स्टब्स, कॉलम हेडिंग आर नोन एज कैप्शंस, व्हाट इज कॉलम हेडिंग, ये रहा कॉलम हेडिंग, कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है।
कॉलम की हेडिंग में क्या आया है, सिप्ला रेनबैक्सी एक्स वाई, ये चार कॉलम्स की हेडिंग है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, कैप्शन, दीज आर नोन एज कैप्शन, इसको कैप्शन, ठीक है। रो हेडिंग क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसे बोलते हैं स्टब्स, रो हेडिंग्स आर नोन एज स्टब्स एंड कॉलम की हेडिंग कैप्शन। तो देखिए आप भूलेंगे नहीं, ऐसे याद रखिएगा, कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सी एंड कैप्शन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम सी, तो कॉलम का कैप्शन और दूसरा वाला जो बच गया वो क्या है, रो के लिए, रो का स्टब्स। देन बॉडी ऑफ द टेबल, व्हाट इज बॉडी ऑफ द टेबल, ये जो फिगर लिख रहे हैं ना ये सारी, इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ द टेबल, दिस इज बॉडी ऑफ, ठीक है। सो दिस इज बॉडी ऑफ टेबल। देन देयर आफ्टर फुट नोट, कभी कभी आप नीचे देखोगे कि किसी भी टेबल के नीचे कुछ फुट नोट दिया होता है, फुट नोट कैसा होता है, द फॉलोइंग डाटास वर टेकन, द फॉलोइंग डाटास वर टेकन इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2016, द फॉलोइंग डाटास वर टेकन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2018, डाटा भी तो किसी ना किसी समय का होगा, ठीक है। तो कुछ उस चार्ट के बारे में हम नीचे बताते हैं आपको, ठीक है, कि या फिर ऐसा कुछ लिखा होता है, द डाटा वॉज प्रिपेयर्ड बाई मिस्टर सो एंड सो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मिस्टर सो एंड सो, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ फुटनोट हम देते हैं, उसकी बात कर रहा है, दैट इज फुटनोट। देन उसके बाद सोर्सेस, अब ये डाटा हमने कलेक्ट कैसे किया है, तो हम यहां पे लिखते हैं द डाटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम सच एंड सच मैगजीन पब्लिश्ड इन ईयर सो एंड सो, कहां से डाटा लिए होगी, ठीक है। तो याद रहेगा इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन, हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ टेबल आर देयर, टेबल के कितने मेन पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, अ टेबल हैज फॉलोइंग मेन पार्ट्स, कितने पार्ट्स, फोर पार्ट्स, ठीक है, लिखिए कहीं। अगर मेन पार्ट की बात होगी तो कितने पार्ट्स बोलेंगे, चार पार्ट बोलेंगे, क्या क्या है वो चार पार्ट, हेडिंग, कैप्शंस, स्टब्स एंड बॉडी, ये चार मेन पार्ट होते हैं। बाकी तो आप लगाओ मत लगाओ चलेगा, जैसे टेबल नंबर हमेशा पाते हो क्या, हर जगह टेबल नंबर दिया होता है, जरूरी नहीं है, हर जगह ये हेड नोट होता है, जरूरी नहीं है, फुट नोट होता है, जरूरी नहीं है, सोर्सेज होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये चार चीज होगी कि नहीं, हेडिंग होगा, कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग और उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन, इतना तो होगा ही, ठीक है। तो इस चार को कहा जाता है मेन पार्ट। तो हम लोग ने क्या क्या देखा अभी तक, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ए टेबुलर प्रेजेंटेशन, नाउ कमिंग टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखेंगे, पहले वो सारा एक बार लिख दें, नंबर वन लाइन डायग्राम, इसको लाइन चार्ट भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नाम याद रखना ही है, लाइन डायग्राम ऑल्सो नोन एज लाइन चार्ट, ऑल्सो नोन एज हिस्टोरियाग्राफ, हि
हिस्टोग्राम भी एक चीज होती है, बाद में भी चर्चा करेंगे वो क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरियाग्राम, ठीक है। दूसरा बार डायग्राम ऑब्लिक बार चार्ट, देन थर्ड पाई चार्ट, लुक एट इन योर नोट्स, लाइन डायग्राम देखिए कैसे ड्रॉ होता है। डाटा हमने दिया है कि ईयर एंड एक्सपोर्ट दिख रहा है सबको, लाइन डायग्राम देखिए डाटा क्या है, ईयर और एक्सपोर्ट। ईयर 2001 में एक्सपोर्ट कितना था, 12 क्रोर्स, 2002 में 26 क्रोर, 2003 में 32, 2004 में 48, 2005 में 45 क्रोर्स एंड 2006 में 40 क्रोर्स। अब इसको प्लॉट कैसे किया जाएगा देखिए, एक तरफ हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट लिख देंगे और इधर लिखेंगे ईयर। मान लीजिए हमने ये लिखा 2001 और इसमें एक्सपोर्ट कितना है 12, मान लीजिए ये 10 ड्रॉ किया है, फिर ये 20 ड्रॉ किया है, ठीक है, तो 12 कहां आएगा, 10 से ये थोड़ा ऊपर आएगा, ये रहा, और यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बस ये हो गया लाइन डायग्राम। फिर अगले 2002 पे जितना एक्सपोर्ट हम क्या करेंगे, उतनी बड़ी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसे कहा जाता है लाइन डायग्राम, लाइन चार्ट या फिर हिस्टोरियाग्राम, ठीक है। तो सिंपल है ये प्रेजेंटेशन भी, कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है जिस ईयर में जितना डाटा है उसके आगे क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिए, बस लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बार डायग्राम ऑब्लिक बार चार्ट, बार डायग्राम ऑब्लिक बार चार्ट, इसमें क्या करेंगे हम देखिए, यहां पे अगर इसी काम को बार डायग्राम या बार चार्ट बनाना होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो जैसे 2001 ईयर हम कैसे ड्रॉ किए, 2001 हमारा ये पॉइंट है, इफ दिस इज 2001 तो इसके बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब बार डायग्राम अगर बनाना होता है तो 2001 अगर ये है, देखिए 2001 अगर ये है तो यहां से लेके हम क्या करेंगे, इतना चौड़ा ये बार बनाएंगे, ठीक है। 2002 पे अब टर्नओवर मान लीजिए क्या है, हम पुराने वाले डाटा भी बना रहे हैं, ठीक है। 2002 पे 26 था तो 26 कहां आएगा, मतलब वो यहां आएगा, ये रहा। अब एक बात बताइए, यही अगर लाइन डायग्राम बनाना होता तो लाइन कहां पे बनाते, बीच में लाइन बनाते तो बीच में से, ठीक है। अच्छा यही ये है सिंगल बार डायग्राम, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डबल बार डायग्राम बनाना हो। डबल बार डायग्राम कैसे, देखिए हम एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ड्रॉ कर रहे हैं, डाटा हम एक ही ले रहे हैं और बार बार उसी पे सब चीज बनवा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों करना है, ठीक है ड्रॉ। तो आप कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए एक्सपोर्ट था 2001 का डाटा ले रहे हैं, एक्सपोर्ट था 12 और इंपोर्ट कितना था मान लीजिए 5, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे 2001 पे, एक्सपोर्ट था 12 तो ये ले लिया हमने एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कितना है जल्दी बताइए, 5, ये ले लिया हमने इंपोर्ट 5, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बॉक्स को अलग अलग कलर का कर देंगे। मान लीजिए हमको व्हाइट किसको लेना है, एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट को हो सकता है ब्लैक कलर कर दें, क्लियर है सबको। अब चलिए 2002 का ड्रॉ करके दिखाएं आपको, 2002 एक्सपोर्ट कितना, वो तो दिया ही था ना क्वेश्चन में, कितना लिया था 26 लिया था। डाटा हम पहले वाले एग्जाम्पल का ले रहे हो और सभी चार्ट उसी से बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। 2002 का एक्सपोर्ट था 26, इंपोर्ट मान लीजिए है यहां पे 35। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, टू पे ये हो गया एक्सपोर्ट,
35 मतलब लगभग यहां तक आएगा, ये वाला का लगा देंगे। ठीक है, एक बार रिपीट करें हम लोग, देखिए हम लोग क्या क्या सीखे हैं अभी। लाइन डायग्राम अगर यही बनाना था तो ईयर के बीच में से क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे थे। अगर यही हमें बार डायग्राम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार बना देते हैं, ठीक है। अगर यही डबल बार होते हैं तो फिर क्या कर देते हैं, डबल बार तभी आएगा जब दो डाटा एक साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित है दोनों डाटा के लिए अलग अलग तरीके के बार यूज कीजिएगा, ठीक है। एक को सेडेड कीजिएगा तो एक को प्लेन छोड़ दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। देन कम्स पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा डाटा को परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। पाई चार्ट डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक हम लोग, पास्ट विथ डिवीजन। कौन से डिवीजन के साथ बच्चा पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन की थर्ड डिवीजन, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 50 है, इसी को डिवाइड करा दीजिए हमें फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन में, कुछ भी फिगर कराइए। फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चे पास कराओगे बोलो, 30 कर लें, 30, 20 नहीं, 30, 15 और 5, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या होता है, हम लोग इसका परसेंटेज बना लेते हैं, क्योंकि पाई चार्ट में हमेशा डाटा कैसा होना चाहिए, इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 स्टूडेंट का मतलब कितना परसेंटेज होता है, 60%, ठीक है। देन 15 डिवाइडेड बाई 50 कितना होता है, 30% इंटू 100 करेंगे, ये हो गया 10%, ठीक है। ये सर्कल है, अब इसमें हम लोग डिनोट करते हैं 60%, 30% एरिया और 10% एरिया, ठीक है। एक बात बताइए, टोटल कितना डिग्री है एक सर्कल, 360 डिग्री, ठीक है। बेसिकली ये 100% है, और इस 100% को हमें पता है क्या बना देना है, 360 डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। 100% को 360 डिग्री में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे 1% है उसकी जगह अगर हम डिग्री डालें तो कितना डालना चाहिए, 3.6 डिग्री। 100% को 360 डिग्री में अगर कन्वर्ट करना हो तो मतलब ये होता है कि 1% का मतलब 3.6 डिग्री बना दीजिए। तो अगर 60% है तो इसको डिग्री बनाइए जरा से, ये डिग्री कितनी हो जाएगी, 60 इंटू 3.6 108, 30 इंटू 3.6 54, ठीक है, एंड 10 इंटू 3.6 36, नहीं गलत है, ये 108 या तो पहला वाला नहीं है, देखो 60 इंटू 3.6 कितना होता है, 216, ठीक है, 216 ये कितना हो जाएगा, 108, और ये हो जाएगा 36। देखिए अब ठीक है, 360 डिग्री हो गया, देख लीजिए चेक करिए,
क्लियर है सबको? अब देखिए क्या करिएगा, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन कीजिए और 216 डिग्री बनाइए। 216 डिग्री मतलब जल्दी बताइए, ये पूरा स्ट्रेट लाइन कर देंगे तो ये आधा एरिया कितना होता है? 180 डिग्री। हमको बनाना है 216 डिग्री, तो निश्चित है कुछ इतना आएगा। आया समझिए सबको? अब यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट डिवीजन 60%, ठीक है। अब यहां पे क्या करिएगा, कर्सर रखिएगा, ठीक है, और कितनी डिग्री बनाइएगा? 108 डिग्री बनानी है। 108 डिग्री का मतलब कितना होगा? हम तो अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया 108 डिग्री, यानी कि कितना परसेंट? 30%, ठीक है, और ये हो गया 10%, ये हो गया थर्ड डिवीजन और ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? सबको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा। इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसको लाइनिंग कर दिया, इसको व्हाइट रखा। अब हम लिखेंगे कैसे? खाली है मतलब सफेद रंग का, ये क्या है? फर्स्ट डिवीजन। फिर एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें खड़ी पाई सिर्फ रखेंगे, ये क्या है? सेकेंड डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे, देखो कि अगर कट्टम कुट्टा पूरी तरीके से है तो ये क्या है? थर्ड डिवीजन, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर।